हेलो बच्चों। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में जो भी मैंने डिस्कस किया था, आई होप कि आप सबने उसे प्रिपेयर कर लिया होगा, थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो आज की अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, फ्लूइड प्रेशर की बात करेंगे, यानी कि वायवेंसी क्या है, वायवेंट फोर्स क्या है, इसे हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं, अपथ्रस्ट क्या है, देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन डिस्कस करेंगे, और फिर इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे और देखेंगे कि फ्लूइड प्रेशर यानी कि लिक्विड प्रेशर किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जिन्होंने इस चैनल पे, जो लोग नए हैं, वो लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आप तक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँचे और भी बच्चों को आप इन्फॉर्म कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल प्ले विथ फिजिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लूइड प्रेशर। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज हम लोग? फ्लूइड प्रेशर पढ़ने वाले हैं। तो प्रेशर तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। प्रेशर को हमने बताया था पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इक्वल टू यू हैव नोन दैट थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या बताया गया बच्चों? थ्रस्ट अपॉन एरिया, एंड द यूनिट वाज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। और ये भी बताया गया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। गॉट माय पॉइंट? अब हम बात करते हैं बच्चों कि फ्लूइड क्या होते हैं। क्या जानेंगे प्यारे बच्चों? फ्लूइड क्या होता है? तो आप समझ लें कि ऑल दोज मटेरियल्स विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो और ब्लो, जिनमें फ्लो या ब्लो की प्रॉपर्टी पाई जाती है, दोज आर कॉल्ड एज फ्लूइड। उन्हें हम लोग क्या कह लेते हैं बच्चों? फ्लूइड कह लेते हैं। मीन्स शॉर्ट में मैं डिफाइन करता हूँ, मटीरियल्स having property of flow or blow called fluid। क्या कहलाते हैं बच्चों? fluid कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें वाटर की एंड एयर की। क्लियर है बच्चों? तो याद रहे जो वाटर है ना, ये फ्लो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो एयर है वो ब्लो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा लोग, आपको पता होना चाहिए फ्लो मीन्स भी बहना होता है और ब्लो मीन्स भी बहना होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको समझना है कि वेयर यू हैव टू यूज फ्लो वर्ड एंड वेयर यू हैव टू यूज ब्लो वर्ड। तो याद रहे जहां पर गैस की बात होगी वहां पर हम लोग ब्लो का इस्तेमाल करेंगे, और जिन फ्लूइड्स में लिक्विड की बात होगी वहां पर हम लोग फ्लो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि फ्लूइड में भी दोनों आते हैं, लिक्विड और गैस। जैसे एयर किस में आएगा बच्चों? गैस में। और वाटर किस में आएगा? लिक्विड में। इसका मतलब लिक्विड भी फ्लूइड है और गैस भी क्या है? फ्लूइड है। गॉट माई पॉइंट? तो बच्चों अब ध्यान देना है, अगर मान लेते हैं किसी भी सॉलिड के कारण, जैसे ये कोई सरफेस है, मान लेते हैं कोई सॉलिड इस पर रखा आपने, तो इस सॉलिड का अपना एक वेट होता है जो कि अपथ्रस्ट का काम करता है। किसका काम करता है ये प्यारे बच्चों? अपथ्रस्ट का। और जितनी सरफेस पर ये लग रहा है वेट, वो हो गया एरिया। तो ऐसे में हम प्रेशर इस पर कितना लग रहा है, डायरेक्ट फॉर्म लगा देते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया, और इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बट बच्चों ध्यान रहे, कभी कभी हमें थ्रस्ट डायरेक्ट नहीं गिवेन होगा, मास ऑफ द ब्लॉक गिवेन होगा, तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर निकालने का फार्मूला क्या बन जाता है? थ्रस्ट की जगह यूज हो जाता है वेट यानी कि एम जी, और अपॉन एरिया नहीं गिवेन होगा तो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया होगा, तो वहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दिस टू गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। गॉट माई पॉइंट? तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं बच्चों, लिक्विड प्रेशर। किसकी बात कर लेते हैं? लिक्विड प्रेशर की। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, लिक्विड प्रेशर कैसे निकालते हैं। बेटा ध्यान दें, सॉलिड को स्टडी करना आप ऐसे हाथ में पकड़ करके आराम से देख लोगे। जैसे आपने सपोज दैट एक बॉक्स ले लिया, या मान लो कोई एक वुडन ब्लॉक ले लिया, तो उसको तो आप ऐसे हाथ पे रख करके स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है लिक्विड की, जैसे वाटर की अगर मैं बात करूं, तो वाटर को आप डायरेक्ट ऐसे तो हाथ में पकड़ के स्टडी कर नहीं सकते। वाटर के लिए आपको कोई ना कोई एक छोटा सा वेसल लेना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल बॉल ले लें, ग्लास ले लें, या कोई अदर वेसल ले लें, बीकर ले लें। क्लियर है? तो उसमें हम सबसे पहले वाटर को प्लेस करते हैं। तो जैसे मान लिया हमने इस तरह का कोई एक वेसल कंसिडर किया मैंने, मान लेते हैं सिलेंड्रिकल वेसल हमने ले लिया लाइक दिस। क्लियर है? थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, इसको सही कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों,
ये हो गया मान लीजिए वेसल, क्लियर है, तो दिस भी वेसल। इसमें मान लो ऐसे कोई लिक्विड रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल वाटर ही रख लेते हैं, गॉट माई पॉइंट। तो ऐसे मान लो वाटर रखा हुआ है, ये फ्री सरफेस है, मान लेते हैं इससे एच डेप्थ पर सिचुएटेड कोई एक पॉइंट पी है, जहाँ पर हम प्रेशर निकालने को इंटरेस्टेड हैं इस फ्लूइड के कारण। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पर हम ए क्रॉस सेक्शन का एक, ए एरिया का एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, और यहाँ पर भी इसे यूनिफॉर्मली ऐसे बना लेते हैं, गॉट माई पॉइंट, ये हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, नीचे से लेकर ऊपर तक, और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं, मतलब इसकी जो हाइट है इस पॉइंट की वो एच है। क्लियर है? तो हम स्टेप्स क्या करेंगे, पहले ध्यान से मान लें, हम इस एच कॉलम के और ए क्रॉस सेक्शन वाले लिक्विड का पहले हम वेट निकालेंगे, जो कि हमें किसका काम कर रहा होगा, थ्रस्ट का काम कर रहा होगा, और फिर इस क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर देंगे, तो इस पॉइंट पर ये लिक्विड कितना प्रेशर डाल रहा है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, गॉट माई पॉइंट। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम लिखते हैं, सिंस द वेट ऑफ लिक्विड इन सिलेंड्रिकल कॉलम W, या फिर यही अब थ्रस्ट का काम करेगा। वेट कैसे आता है बच्चों, मास इंटू जी से आता है। मास कैसे आता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से आता है। तो इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं रो है, तो V इंटू रो इंटू जी हो गया। और प्यारे बच्चों वॉल्यूम कैसे आता है, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, तो A इंटू एच इंटू रो इंटू जी, ये आ गया वेट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू थ्रस्ट, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों ए एच रो जी। नाउ प्रेशर ऑफ लिक्विड एट पॉइंट पी कैसे आएगा, ध्यान देंगे, पी इक्वल टू फार्मूला लगा दो थ्रस्ट अपान एरिया। थ्रस्ट की औकात क्या है प्यारे बच्चों, ए एच रो जी, और अपान में क्या है ए, ए से ये निपटा दो, तो प्रेशर पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच रो जी। क्या आ गया बच्चे लोग, एच रो जी आ गया, कितने पास्कल का प्रेशर ये फ्लूइड के कारण इस पॉइंट पर लग रहा होगा। यहां पर एच क्या है, फ्री सरफेस से डेप्थ है उस लोकेशन की जहां पर यू वांट टू फाइंड आउट प्रेशर। जी क्या है बच्चों, वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और रो क्या है, इस लिक्विड की डेंसिटी है, गॉट माई पॉइंट। तो अगर हम ध्यान दें कि लिक्विड प्रेशर किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, तो ध्यान देंगे पहला तो डिपेंड कर रहा है पी प्रोपोर्शनल टू एच है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी उस पॉइंट की प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, पी प्रोपोर्शनल टू रो है, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जितना ज़्यादा होगा उसी पॉइंट पर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर का सेम डेप्थ पर, और अगर हम हनी ले लेते हैं जिसे हम शहद कहते हैं, तो शहद के केस में सेम डेप्थ पर प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, गॉट माई पॉइंट। एंड थर्ड वन P प्रोपोर्शनल टू G, तो अगर हम G की वैल्यू चेंज कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप अर्थ के सरफेस पर हो, तब आप प्रेशर निकाल रहे हैं किसी बीकर में किसी लिक्विड का, और अगर H हाइट पर चले गए सरफेस से तब आप निकाल रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ग्रेविटेशन में मैंने डिस्कस कर रखा है कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो स्मॉल G की वैल्यू डिक्रीज करती है, तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है अर्थ सरफेस से ऊपर जाकर के अगर आप प्रेशर निकालेंगे तो वहां पर प्रेशर पहले से कुछ कम मिलेगा, गॉट माई पॉइंट। तो ध्यान देना है बच्चे लोग, समझ लेना, फ्री सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस ऑफ लिक्विड जिसके कॉन्टैक्ट में एयर होता है, दैट इज नोन एज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, गॉट माई पॉइंट। तो ये रहा आपका फ्लूइड प्रेशर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये बात हम लोगों को समझ में आ जाती है, गॉट माई पॉइंट। अब हम बात करेंगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, तो इतनी बात तो पता चल गई आप लोगों को कि जैसे जैसे फ्री सरफेस से पॉइंट की डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है बच्चों, प्रेशर बढ़ता है, यानी कि आप अगर कम गहराई में जाएंगे पानी में, सपोज अगर किसी तालाब में जाते हैं या रिवर में जाते हैं आप, तो वहां पर प्रेशर कम लगेगा, और जैसे जैसे आप ज़्यादा गहराई में चलते जाओगे तो वहां पर लिक्विड का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, गॉट माई पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर, ये जो लिक्विड है जिसे हम वाटर भी ले रहे हैं, तो ध्यान देना उसका प्रेशर का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, P इक्वल टू एच रो जी, जहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी है,
पी प्रेशर है और जी क्या है उस पॉइंट पर जहां पर आप ये प्रेशर निकाल रहे होंगे वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है। क्लियर है बच्चों? तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि वायंसी क्या है और वायंट फोर्स क्या है। तो बच्चों ध्यान देना है, जब कभी आप महीने में या हफ्ते में एक आध बार नहाते होंगे, कुछ लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महीनों महीनों नहाते नहीं, बहाना देते हैं कि ठंडा लग रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, जैसे मान लिया आप नहाते तो क्या करते हो, एक बकेट लेते हो, टैप ओपन कर देते हो, धीरे धीरे पानी का लेवल टैप में बढ़ता जाता है। गॉट माई पॉइंट? बढ़ता जाता है। आप क्या पूरा बाल्टी थोड़ी पलट लेते हो अपने ऊपर, समझ में आ रही बात? आप मग्गा लेते हो, मग्गा से धीरे धीरे पानी अपने ऊपर पोर करते हो, यानी कि नहाते हो। तो मग जैसे ही आप इसमें रखते हो ना बच्चे लोग, ये मान लिया आपने मग ले लिया ऐसे, क्लियर है, ये मग ले लिया, मग को ऐसे सीधा आप रखोगे बॉटम के बल पे तो कभी भी ये नीचे नहीं जाता अपने आप, बल्कि थोड़ा प्रेशर आपको अलग से लगाना पड़ता है इसमें डालने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्लूइड है जिस पर आप इस मग्गे को रखते हैं पानी के ऊपर, ये पानी इस मग पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाती है। क्या लगाती है प्यारे बच्चों? ऊपर की ओर एक दबाव डालती है, फोर्स लगाती है। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्ड फोर्स कहते हैं, वायंट फोर्स कहते हैं, या आप थ्रस्ट कहते हैं। क्लियर है? जब आपके द्वारा लगाया गया फोर्स इस अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो ये मग पानी में डूब जाता है। क्लियर है? तो अपथ्रस्ट क्या है? किसी भी लिक्विड के कारण किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला जो फोर्स है दैट इज नोन एज अपथ्रस्ट, या फिर इसे वायंट फोर्स कहते हैं। गॉट माई पॉइंट? और लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसके चलते इस बॉडी पर ऊपर की ओर फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज वायंसी। तो बच्चों हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वायंसी क्या है और अपथ्रस्ट क्या है। तो बच्चों ध्यान देना, वायंसी एंड अपथ्रस्ट। क्लियर है बच्चों? तो वायंसी क्या होता है, अपथ्रस्ट क्या होता है, ध्यान देंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाइज एन अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट इज कॉल्ड वायंसी, इज कॉल्ड वायंसी, यहां पर छूट गया था, इज कॉल्ड वायंसी एंड द फोर्स इज कॉल्ड वायंट फोर्स और अपथ्रस्ट। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वायंट फोर्स या अपथ्रस्ट कहलाता है, और इसे हम एफ सफिक्स में बी से लिखते हैं, यानी कि वायंट फोर्स। क्लियर है? और इसकी भी यूनिट वही होगी जो फोर्स की होती है, न्यूटन। गॉट माई पॉइंट? तो अपथ्रस्ट क्या है प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? जैसे ये मग रखोगे ना तो इस मग पर दो फोर्सेस ऐड करते हैं, एक तो इस मग का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा इस लिक्विड का अपथ्रस्ट वर्टिकली अपवर्ड ऐड करता है। गॉट माई पॉइंट बच्चों? तो ये ध्यान देना है। तो वायंसी क्या है और वायंट फोर्स क्या है, बात समझ में आ गई? वायंसी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड होता है जिसके चलते वो अपने सरफेस पर रखे जाने वाले ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, दैट इज नोन एज वायंसी, और जो फोर्स लग रहा होता है दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज वायंट फोर्स। अब ध्यान देना बच्चों, मैथमेटिकली ये जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड displaced, बहुत अच्छे से समझेंगे, लिक्विड displaced by dipped part of body। क्लियर है बच्चों? बॉडी का जितना पार्ट पानी के अंदर होगा या लिक्विड के अंदर होगा, उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड का जितना भी वेट होता है ना, वही उस बॉडी पर लगने वाला अपथ्रस्ट होता है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्लियर है बच्चों? और वेट कैसे आता, मास इंटू जी से, तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू जी,
और याद रहे बच्चों, मास कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी से आता है। तो एफ बी कैसे आ गया बच्चों, एफ बी फेसबुक वाला नहीं है बच्चा, लोग ध्यान देना, एफ बी जो है ये वायरेंट फोर्स है, गॉट माई पॉइंट। तो एफ बी इक्वल टू हो गया वी एल इंटू रो एल इंटू में जी आ गया, दिस इज ऑफ थ्रस्ट, गॉट माई पॉइंट, इतने न्यूटन का ऑफ थ्रस्ट एक्ट करता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना बच्चा लोग, इस तरह से मान लो हमने कोई एक वेसल ले लिया है, इसमें पानी भरा एकदम लबालब, मान लो यहाँ तक भरा पानी, क्लियर है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक ब्लॉक लिया लाइक दिस, ये ब्लॉक लिया हमने मान लो, क्लियर है बच्चों, ब्लॉक लिया। अब ध्यान दो क्या होता है, इसका पूरा वॉल्यूम मैंने मान लिया कैपिटल वी है, और ये जो पानी के अंदर वॉल्यूम है ये मान लिया स्मॉल वी। तो बच्चों ध्यान दो, इस ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ऐड करेगा डब्ल्यू, और इस पर जो अपथ्रस्ट लग रहा होगा एफ बी वो कहाँ ऐड करेगा, ऊपर की तरफ। बच्चों ध्यान दो, ये बॉडी इस पानी में फ्लोट करेगी या सिंक कर जाएगी या ऊपर जाएगी, ये इन्हीं दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट पर डिपेंड करता है, क्लियर है बच्चों। तो ध्यान देना है, पहला पॉइंट हम लिखते हैं, अगर इस बॉडी का वेट इस पर लगने वाले अपथ्रस्ट से ज़्यादा हो गया बच्चों, यानी कि अपथ्रस्ट कम हो जाए, वेट ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, नेट फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड एंड द बॉडी विल सिंक डाउन, बॉडी विल सिंक डाउन, यानी कि बच्चों ये बॉडी पानी में डूब जाएगी, विल सिंक डाउन, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट इसी का, अगर हम मान लेते हैं वेट लेस देन दैट ऑफ अपथ्रस्ट हो गया, इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ ऐड करेगा, तो इसका मतलब हो जाता बच्चों देन बॉडी विल मूव अप, बॉडी ऊपर की तरफ आएगी और जहां पर आकर के फिर बैलेंस हो जाएगी वहीं पर रुक जाएगी। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी है, अगर वेट इक्वल टू अप थ्रस्ट हो गया ना बच्चों, देन बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट इन बैलेंस पोजीशन, इन बैलेंस्ड पोजीशन, क्लियर है बच्चों। एंड दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, ये बच्चों कहलाता है कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, समझ में आ गया। तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन क्या है, गौर करें, यहाँ पर फिर से ये स्टेप उठाता हूँ मैं, W इक्वल टू एफ बी को, अच्छा लोग वेट किसका है, बॉडी का, तो बॉडी का वेट कैसे आएगा, ये बॉडी का वेट है, तो वेट कैसे आता, मास ऑफ बॉडी इंटू जी, और अपथ्रस्ट कहने में बताया था मैंने वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कैसे आएगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू जी, तो उसी जगह पर जी तो सेम रहेगा, तो जी से जी क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब आ गया मास ऑफ बॉडी इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मास कैसे आता है, वॉल्यूम से आता है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, क्लियर है। अब बच्चों ध्यान देना है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी यहाँ पर हमने क्या लिया, कैपिटल वी, डेंसिटी ऑफ बॉडी को रो भी लिखता हूँ, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना, हमने कहा था जितना बॉडी का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगा उतना ही वॉल्यूम वो हटाता है, यानी कि स्मॉल वी हो गया इंटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया। अब बच्चों कैपिटल वी को इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो व्हाट यू विल गेट, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी इक्वल टू मिल जाएगा प्यारे बच्चों रो बी अपॉन रो एल, दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, इसे भी हम क्या कह लेते हैं, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन कह लेते हैं। एक तो ये है कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन बेसिक, और एक अदर फॉर्म ऑफ कंडीशन फॉर फ्लोटेशन ऑफ लिक्विड, गॉट माय पॉइंट। तो बच्चों इसके आगे हम बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसी कंडीशन को, बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लेवल से देखा जाए तो डिफिकल्ट भी है, बट आई विल मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड टू यू इफ यू गेट कंसंट्रेटेड टू मी, अगर आप माइंड को सेट रखते हैं इधर की तरफ तो आप जरूर समझ पाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, गॉट माय पॉइंट बच्चों। तो ध्यान देना है,
ओके बच्चों, तो लेट्स सी, अब इस कंडीशन को ध्यान देंगे। यहां पर क्या पॉसिबिलिटी आती है, अगर अगर ध्यान से सुनना, अगर रूबी यानी कि डेंसिटी ऑफ बॉडी ग्रेटर देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो देखो बबुआ लोग राइट साइड के फ्रैक्शन में अगर रूबी रॉयल से ज्यादा है और बीच में इक्वालिटी साइन लगी है, इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल वी ग्रेटर देन कैपिटल वी, इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों स्मॉल वी ग्रेटर देन कैपिटल वी। और आपको याद हो तो स्मॉल वी क्या था, डूबा हुआ वॉल्यूम था, तो जब वी ग्रेटर देन वी हो गया इसका मतलब द बॉडी विल सिंक, इसका मतलब हो जाएगा बॉडी विल सिंक। ये पहली सिचुएशन आ गई। दूसरी ध्यान दो बच्चों, अगर रो बी लेस देन रॉयल हो जाए, तो देखो रो बी लेस देन रॉयल हो गया तो वी लेस देन कैपिटल वी हो जाएगा, इसका मतलब बॉडी का कुछ ही हिस्सा पानी में डूबेगा बाकी बाहर रहेगा, मीन्स द बॉडी विल कम सम वाट अप इन द फ्लूइड या लिक्विड। गॉट माई पॉइंट। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी है बच्चों, अगर रो बी इक्वल टू रॉयल हो जाए तो फिर स्मॉल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल वी हो जाएगा, यानी कि द बॉडी विल फ्लोट इन बैलेंस, बॉडी बैलेंस होकर के फ्लोट करेगी। अब ध्यान दो बच्चों, आपके घर में कोई मेहमान आता है गर्मियों के दिनों में, तो आप क्या करते हैं, उसको ठंडा पानी ले जाते हैं, बढ़िया अपना रसना सना घोल घाल करके सेवा सत्कार करने के लिए ले जाते हैं। तो जब आप ले जाते हैं तो इसमें कुछ आइस क्यूब डाल देते हैं, आप लोग ऐसे डाल देते हैं, तैरा देते हैं ऊपर आइस क्यूब। तो आइस क्यूब पानी के ऊपर क्यों तैरता है, आइस क्यूब पानी के ऊपर क्यों तैरता है, आप ध्यान देंगे, क्योंकि बेटा जो आइस है ना, ये जो डेंसिटी ऑफ आइस होता है ना, वो क्या होता है बच्चा लोग, लेस देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाता है। क्लियर है, वाटर की डेंसिटी से कम हो जाता है, यानी कि जो बॉडी की डेंसिटी है ना, ये वाली कंडीशन, बॉडी क्या हो गया, यहां पर आइस हो गया, बॉडी हो गया और वाटर लिक्विड हो गया, तो आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम है। इसका मतलब स्मॉल वी लेस देन कैपिटल वी होगा, यानी कि बहुत कम हिस्सा इस बर्फ का, आइस पीस का बहुत कम हिस्सा पानी के अंदर रहता है, बाकी ऊपर रहता है और आइस ऊपर की तरफ फैलती रहती है, और धीरे धीरे जब ये मेल्ट होती है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आ गया। एक और इलस्ट्रेशन यहीं पर ले लेता हूं बच्चे लोग, ध्यान देंगे, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया, आप बढ़िया रसना सना घोल करके ले गए, कलरफुल रंग बिरंगा एकदम लबालब पानी भरा है, और इसमें कुछ आपने आइस पीस रखे हुए हैं मान लो। अब क्या होगा बच्चों, आपको पहले से पता कंसेप्ट कि जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड सरफेस में रखी जाती है तो अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑलरेडी हटा चुकी होती है, तो जैसे जैसे ये पानी में कन्वर्ट होगा यानी कि आइस मेल्ट होगी ना, तब भी उसका पानी का लेवल उतना ही रहेगा, ग्लास की बाहर नहीं गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हटा चुका था। तो द लेवल विल रिमेन सेम, द लेवल विल रिमेन सेम, तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। क्लियर है बच्चों। अब यहीं पर बात आती है, ध्यान से सुनना, अब यहीं पर बात आती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओके बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ध्यान दो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हाट हैपेंस, ध्यान देंगे, जैसे मान लो ये लिक्विड था और इस पर आपने कोई ब्लॉक रखा, तो बच्चों ब्लॉक का वेट नीचे और अर्थरस किधर ऐड करता है, ऊपर। तो जैसे हम कोई बॉडी को किसी फ्लूइड पर पार्शियली या फुल्ली प्लेस कराते हैं ना, तो 100% उस पर एक फोर्स ऐड करने लगता है। जब ये ब्लॉक एयर में रहता है तो उसका वेट क्या रहता है, डब्लू, लेकिन जब अंदर आ गया वाटर में अगर हम देखें तो वाटर में अब इसका एक्चुअल वेट कितना लगता है, डब्लू माइनस अर्थरस के बराबर लगता है। तो ये वाटर में वेट क्या हो गया, कम, एयर में क्या था, ज्यादा था। इसका मतलब जो वेट इन एयर है दैट इज मोर देन दैट ऑफ वेट इन वाटर, इससे ज्यादा होता है। क्लियर है, इसका मतलब ये पहले से कुछ हल्का प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, हल्का। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू अपथ्रस्ट, किस कारण से हुआ, ड्यू टू अपथ्रस्ट, गॉट माई पॉइंट, अपथ्रस्ट के कारण ऐसा होता है। तो आर्किमिडीज ने यह बताया कि जब भी कोई बॉडी पार्शियली या फुल्ली किसी लिक्विड में प्लेस की जाती है ना,
तो उसके भार में कुछ एपरेंट डिक्रीमेंट आ जाता है, उसके वेट में कुछ आभासी कमी आ जाती है। तो उस बॉडी के वेट में आई हुई ये आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये जो वेट लॉस होता है ना बॉडी का, वेट लॉस वो किसके बराबर होता है, वेट माइनस अपथ्रस्ट के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात, और ध्यान देना है। तो अगर हम बात करें एपरेंट वेट कितना होता है किसी बॉडी का, तो एपरेंट वेट होता है बेटा एक्चुअल वेट, ध्यान से समझो, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। क्लियर है, और ध्यान देना है, व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन बैलेंस, जब कोई बॉडी बैलेंस होकर फ्लोट करती है, तो अभी मैंने बताया था वेट और अपथ्रस्ट क्या हो जाता है, इक्वल। तो यहां रख दो, तो वहां पर एपरेंट वेट क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, W माइनस W कर दो तो क्या आ जाता है, जीरो। यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इस कंसेप्ट से, आपसे क्या देगा, जैसे मान लो हमने आइस का ही पीस का एग्जांपल लिया, अगर आइस पीस वाटर सरफेस पे बैलेंस होकर के फ्लोट कर रही है, तो व्हाट इज द एपरेंट वेट ऑफ आइस, तो यू विल से दैट जीरो, क्योंकि उस समय जितना उसका वेट होगा ठीक उतना उस पर अपथ्रस्ट भी लग रहा होगा। नॉट ओनली फॉर इन केस ऑफ आइस, कोई भी बॉडी जब भी किसी वाटर में या फ्लूड में अगर वो फ्लोट कर रही है बैलेंस होकर के, तो हमेशा उस सिचुएशन में उसका अपरेंट वेट क्या रहेगा, जीरो। गॉट माय पॉइंट बच्चों, तो इतनी सारी चीजें आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, और वीडियो में कोई चीज कम समझ आई हो या आपको थोड़ा कहीं पर कोई डाउट हो, तो यू कैन कमेंट मी, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अंत में आप लोग अच्छे से इसे समझें और अपने टाइम की कीमत को पहचानो, क्योंकि बेटा एक बार जो समय चला जाता है वापस दुनिया में लौट के नहीं आता है। मैं बार बार समझाता हूँ कि टाइम इज वेरी प्रेशियस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।